कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। जिस राज्य में विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना हुई हो, जिस राज्य से भारत के ज्यादातर धर्म निकले, जिस राज्य से खुद भारत बना, जिस राज्य में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय रहा हो, जो राज्य IAS की फैक्ट्री बोला जाता है, वो राज्य आज भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? खनिज संपदा से धनी इस राज्य की झोली अचानक कैसे हो गई खाली, और क्या रहे वो कारण जिसकी वजह से इतना संपन्न होने के बावजूद भी ये राज्य इतना पिछड़ गया, और क्या है वो उपाय जिनको अपनाकर इस राज्य को दोबारा से एक संपन्न राज्य बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की। ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि बिहार के जिला वैशाली में ही विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आज ये राज्य भारत के सभी राज्यों के मुकाबले में लगभग हर चीज में पिछड़ा हुआ है। लचर शिक्षा व्यवस्था ने इस राज्य को बदहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी यहाँ के छात्र अपनी लगन और मेहनत के बलबूते UPSC की परीक्षा में अपना परचम लहराते आए हैं। एक जमाने में सिविल सेवा में बिहार का बोलबाला रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार में 2.87 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति IAS बनता है। वहीं देश में हर 12वां IAS अधिकारी बिहारी है। वर्तमान में IAS कैडर की बात करेंगे तो करीब 4,964 में से 416 IAS अफसर बिहार से हैं। बीते 10 सालों में करीब 25% IAS का संबंध बिहार से रहा है। बिहार के छात्रों को सिविल सेवा से इतना लगाव कामयाबी के पीछे वजह है लालू यादव का जंगल राज। जंगल राज के उस दौर में अफसरशाही भी अपनी चरम पर थी। लाल बत्ती और एम्बेसडर कार की सनक सर पर सवार थी। ये वो दौर था जब बिहार के छात्र पद और पावर के पीछे खूब भागे। इसका परिणाम भी सिविल सेवा की परीक्षा में देखने को मिला। IAS अफसर बनने के बाद सुरक्षा और देश की सेवा करने का मौका दोनों की गारंटी था। राजनीतिक और सामाजिक सूझबूझ में तेज बिहारियों के लिए ये काम आसान था। अखबार और चाय पर चर्चा बिहारियों को मानसिक रूप से सिविल सेवा के लिए तैयार कर देती है। सामान्य ज्ञान के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में दिलचस्पी भी इनके लिए कामयाबी के द्वार खोल देती है। परिणाम ये है कि बीते 20 सालों में 3,655 अफसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 251 बिहार से थे। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार में पहुंच गया। नंबर 1, प्रकृति की मार। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। इसकी मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं। इसकी वजह से यहां पर सिंचाई की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, और यहां पर विशेषकर गंगा नदी के किनारे के मैदानी भाग बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत ही जटिल है। जहां बिहार के एक तरफ सूखा पड़ रहा होता है, वहीं पर बिहार का दूसरा कोना बाढ़ की मार झेल रहा होता है, जिस वजह से दोनों ही सूरतों में यहां की कृषि बुरी तरह चौपट हो जाती है। नंबर 2, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से भी गरीबी आना स्वाभाविक है। अक्सर सरकारी अधिकारी कोई भी काम करने के बदले पैसा मांगने लगते हैं, और जो योजनाएं सरकार चलाती है वे आम लोगों के कल्याण के लिए होती है, लेकिन यही भ्रष्ट अधिकारी सरकारी योजनाओं के पैसों को लूटकर खा जाएंगे और आम लोगों तक कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में जो पैसे वाला होगा वो तो आगे निकल जाएगा, और जो पैसे वाला नहीं होगा वो पीछे होता चला जाएगा। नंबर 3, देश की आजादी के बाद बिहार की पहचान खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य के रूप में होती थी। कोयला, बॉक्साइट तथा लोहे का 50%, तांबा 100% बिहार में पाया जाता था। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया और बिहार ने अपनी खनिज संपदा को खो दिया। फिर भी बिहार के पास युवा वर्ग की एक बड़ी आबादी थी, लेकिन बिहार सरकार की उदासीनता ने इस राज्य को कई वर्ष पीछे धकेल दिया। पहले 15 साल लालू राबड़ी शासन ने राज्य को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश सरकार भी अपने 15 साल के शासन में राज्य के अंदर मूलभूत सुविधाओं में कोई बड़ा बदलाव करने में नाकाम रही। नंबर 4, जातिगत राजनीति। जातिगत राजनीति बिहार की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राज्य के विकास के लिए नहीं सोचता है। यहाँ हर क्षेत्र में छोटे छोटे प्रत्येक जाति के नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की ही बात करेंगे तथा अपनी राजनीति को जाति के इर्द गिर्द ही घुमाते रहेंगे। यहाँ पर जनता को भी ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जो कि उनकी जाति का हो, उसके विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी जाति का नेता होगा तो उनकी ज्यादा उन्नति होगी तथा उनकी जाति का क्षेत्र में वर्चस्व होगा। जातिगत राजनीति के कुछ अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन एक राज्य तभी तरक्की कर पाएगा जब प्रत्येक समुदाय तरक्की करेगा। नंबर 5, जनसंख्या। आप बिहार की जनसंख्या का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं
कि जब सरकार ने जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए तो पूरे देश में प्रजनन दर में 23% की गिरावट आई। वहीं बिहार में ये गिरावट केवल 7.8% दर्ज की गई। चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश का प्रजनन दर 2.18% और बिहार का 3.4% है। बिहार में 42% बच्चियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। जनसंख्या का सबसे बड़ा दबाव मूलभूत सुविधाओं पर पड़ता है। नंबर 6, उद्योग की कमी। लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में बिहार के उद्योगों की हालत पूरी तरह से चरमरा गई। क्राइम दर अधिक होने की वजह से कोई भी बड़ा उद्योगपति बिहार में निवेश को तैयार नहीं हुआ। जो उद्योगपति वहां थे, बढ़ते क्राइम के डर से उन्होंने बिहार छोड़ दिया। तेजी से राज्य के इंडस्ट्रियल इलाकों की हालत बद से बदतर हो गई। बिजली आपूर्ति भी इनकी बर्बादी का एक बड़ा कारण बना। बीते 30 सालों में अनगिनत सरकारी और गैर सरकारी कारखानों पर सरकार की अनदेखी की वजह से ताला लटक गया। समस्तीपुर के जूट मिल से लेकर इसका जीता जागता उदाहरण है। नंबर 7, बुनियादी सुविधाओं की कमी। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा लगाना है तो आप अप्रैल 2020 में सामने आई उस वीडियो को याद कीजिए, जब एक माँ अपने 3 साल के मृत बेटे के मुर्दा शरीर को लेकर 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चली थी। नवजात शिशुओं की मौत के मामले में बिहार चौथे पायदान पर है। सड़क की हालत ऐसी है कि बिहार में सालाना करीब 10,000 सड़क दुर्घटना दर्ज की जाती है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आप रूबी रॉय के टॉपर घोटाले से याद कर सकते हैं। बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी टॉप विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं है। नंबर 8, गरीबी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के 38 जिले में से 11 जिले में हर 10 में से 6 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करता है। अररिया और मधेपुरा जिले में ये आंकड़ा 7 तक पहुंच जाता है। तेंदुलकर कमेटी की 2011-2012 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 33.17% लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 9, केंद्र सरकार की उपेक्षा। बिहार बीते कई सालों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। बिहार के करीब 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बिहार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बाढ़ के खत्म होने के बाद स्कूल, अस्पताल, सड़क और मकान के पुनर्निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। नुकसान के अनुरूप केंद्र सरकार से उतनी मदद नहीं मिलती है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को प्रत्येक वर्ष 90% अनुदान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको बिहार की बर्बादी के पीछे और भी कोई कारण लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।